अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे स्टॉक ग्रुप्स में ऑल्टर ऑप्शन के बारे में, साथ ही ये बताएंगे कि किसी स्टॉक ग्रुप को कैसे डिलीट करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था स्टॉक ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, यानी कैसे क्रिएट करते हैं। आइए अब बताते हैं हमने जो स्टॉक ग्रुप्स बनाए हैं, यानी पहले से बने हुए किसी भी स्टॉक ग्रुप में कोई भी चेंजेस करना हो तो वो ऑल्टर की सहायता से कैसे कर सकते हैं। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि इस तरह के सभी ऑप्शंस का उपयोग हमने लेजर्स में ऑल्टर तथा डिलीट वाली वीडियो में बताया था। लगभग वही तरीका यहाँ भी लागू होता है, फिर भी हम इसे शॉर्ट में आपको फिर बता देते हैं। स्टॉक ग्रुप्स में ऑल्टरेशन के दो तरीके हैं। पहला, एक समय में किसी एक ग्रुप या सब ग्रुप में ऑल्टरेशन करना, और दूसरा एक साथ एक से अधिक ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ऑल्टरेशन करना। आइए पहले देखते हैं एक समय में किसी एक ग्रुप या सब ग्रुप में ऑल्टरेशन कैसे कर सकते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ दिखाई दे रहे मास्टर्स के अंतर्गत ऑल्टर को सिलेक्ट करें। यहाँ से स्टॉक ग्रुप्स को सिलेक्ट करें। ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ जाएगी। आप जिस स्टॉक ग्रुप को ऑल्टर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। ऐसा करने पर स्टॉक ग्रुप ऑल्टरेशन स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए स्टॉक ग्रुप की पूरी डिटेल्स दिखाई पड़ेंगी जो आपने स्टॉक ग्रुप बनाते समय दी थी। यहाँ से आप स्टॉक ग्रुप के नाम या अंडर में वो प्राइमरी या किसी अन्य ग्रुप में बना है तो उसे चेंज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यदि आप किसी स्टॉक ग्रुप को डिलीट यानी समाप्त करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको ऑल्टर में ही जाना होगा। उसके बाद यहाँ से स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करें। ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ जाएगी। आप जिस स्टॉक ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। ऐसा करने पर स्टॉक ग्रुप ऑल्टरेशन स्क्रीन आएगी। यहाँ ऑल्टर और डी कीज को एक साथ प्रेस करें। डिलीट की छोटी सी विंडो आएगी। यहाँ एक खास बात ध्यान रखें, आपने जिस स्टॉक ग्रुप में कोई भी सब ग्रुप्स या स्टॉक आइटम्स बना रखे होंगे उसे आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसकी पहचान यह है कि जब आप ऑल्टर और डी कीज को प्रेस करेंगे तो डिलीट के मैसेज वाली विंडो ही नहीं आएगी। और फिर भी यदि आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो पहले आपको उसके अंदर बने सब ग्रुप्स या स्टॉक आइटम्स को डिलीट करना होगा या उनके ग्रुप को बदलना होगा, उसके बाद ही आप उस स्टॉक ग्रुप को डिलीट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। यदि डिलीट करना चाहते हैं तो Y प्रेस करें और यदि नहीं तो N प्रेस करें। हम इसे डिलीट नहीं करना चाहते हैं इसलिए N प्रेस कर रहे हैं। चलिए अब हम स्टॉक ग्रुप्स में ऑल्टरेशन के दूसरे तरीके को देख लेते हैं। इसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा और यहाँ से स्टॉक ग्रुप्स सिलेक्ट करना होगा। फिर मल्टी मास्टर्स में जाना होगा। लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर्स में मल्टी ऑल्टर सिलेक्ट करना होगा। ये यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ रही है। इसके अंतर्गत भी ऑल्टरेशन के दो तरीके हैं। पहला, यदि आप किसी एक स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत बने हुए सब ग्रुप्स को ऑल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से वो स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट करें जिसके अंदर बने हुए सब ग्रुप्स में ऑल्टरेशन करना है। मल्टी स्टॉक ग्रुप ऑल्टरेशन स्क्रीन आ गई है। यहाँ से आप किसी भी स्टॉक ग्रुप का नाम या अंडर में वो जिस भी ग्रुप में बना है उसे चेंज कर सकते हैं। साथ ही यदि शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडिट को यस या नो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम स्केप की से वापस लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स पर आ गए हैं। चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं जिसमें हम एक ही बार में कितने भी स्टॉक ग्रुप्स में, चाहे वो प्राइमरी ग्रुप हो या सब ग्रुप हो, उसमें एक साथ ऑल्टरेशंस कर सकते हैं। उसके लिए ऑल आइटम्स सिलेक्ट करना होगा। ऐसा करते ही मल्टी स्टॉक ग्रुप ऑल्टरेशन विंडो आ जाएगी। अब आप यहां से जो भी चेंजेस, जैसे ग्रुप का नाम या अंडर में वो जिस भी ग्रुप में बना हुआ है उसे बदलना चाहें तो बदल सकते हैं।
इस वीडियो में आपने स्टॉक ग्रुप्स को अल्टर करने के बारे में समझा, साथ ही ये भी जाना कि किसी स्टॉक ग्रुप को डिलीट कैसे करते हैं। स्टॉक ग्रुप्स के बाद हमें यूनिट्स को समझना होगा, क्योंकि जब टैली में कोई भी स्टॉक आइटम बनाया जाता है तो उस समय स्टॉक आइटम को मापने की जो भी इकाई हो वो उसमें जोड़ना जरूरी होती है, तभी उस स्टॉक आइटम का ठीक से उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक आइटम्स के पहले आपको यूनिट्स बनाना होती हैं, जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, और उसके बाद वाली वीडियोस में हम स्टॉक आइटम्स के अंतर्गत आने वाले क्रिएट और ऑल्टर ऑप्शंस को समझेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि किसी स्टॉक आइटम को डिलीट कैसे करते हैं। दोस्तों, हर वीडियो में हम कुछ नई बातें विस्तार से बताते हैं और बाद में शॉर्ट में उनका उपयोग करते हैं। अगर आप कुछ भी उपयोगी सीखने से वंचित नहीं रहना चाहते हैं तो कृपया सभी वीडियोस को ऑर्डर में ही देखें।